गुड मॉर्निंग टू ऑल. एज यू नो दैट वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.2. टुडे वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास सम ऑफ द रूल्स हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. सो नाउ इन दिस क्लास वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर ए, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन का हो जाएगा प्लस वन. हमने इसको ट्रांसफर कर दिया. ओके, डायरेक्टली माइनस वन यहाँ आएगा तो प्लस का वन हो गया. एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू. अब देखो इसको थोड़ा सा हम स्टेप बड़ा करके करना है तो बता देते हैं आपको. बीच में इज इक्वल टू टू इज ऑलरेडी ऑन इट्स प्लेस एंड एक्स इज ऑलरेडी ऑन इट्स प्लेस. कौन सा नहीं है तो चलिए माइनस सिक्स नहीं है. सिक्स में यहाँ आते हैं, सिक्स माइनस टू फोर, सिक्स इज ग्रेटर देन टू सो इट्स माइनस साइन एंड दिस इज योर आंसर. इट इज सो सिंपल. फाइन, द सेम मैनर विल यूज दिस. फोर इज ऑन इट्स प्लेस एंड वाई इज ऑन इट्स प्लेस. माइनस फोर अपनी प्लेस पर नहीं है सो वी विल ट्रांसफर प्लस फोर एंड योर आंसर इज एट. सो द वैल्यू ऑफ वाई इज एट. दिस इज द आंसर. इट इज सो सिंपल. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर बी ऑफ सेकेंड, बी अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स. फर्स्ट वी विल राइट विच आर ऑन इट्स ओन प्लेस. सिक्स अपनी जगह पे है, बी अपनी जगह पे है, टू अपनी प्लेस पे नहीं है सो विल ट्रांसफर टू टू द राइट हैंड साइड. सो इट्स डिवाइड, बी इज डिवाइड बाई टू. देन वेन इट विल बी ट्रांसफर टू राइट साइड इट विल बी साइन ऑफ मल्टीप्लाई. सो सिक्स टू द 12. सो द आंसर ऑफ बी इज 6. देयरफॉर द वेरिएबल बी इज इक्वल टू द 2. नाउ वी सॉल्व दिस. 25 is on its place and x is on its place. There is no sign between 4 and x means 4 is multiplied to x. So, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा. Okay? So, the value of x is 25 upon 4. 25 upon 4. This is the answer. Clear? So simple. प्लीज़ ट्राई टू राइट द आंसर इन बॉक्स. हमेशा आंसर को बॉक्स में लिखना चाहिए. नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. जो अपनी जगह पे हैं उनको पहले से लिख दो अपनी जगह पे. ओके, थ्री सेम क्वेश्चन देखो, डिवाइड कर रहा है देन इट विल बी गो टू द राइट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई. सो इट इज 15 अपॉन 4. इज दैट क्लियर? इट इज द आंसर. इट इज सो सिंपल. क्लियर? कितना सिंपल है. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. अभी इसमें थोड़ा सा और कुछ स्टेप आगे चलेगा. फर्स्ट विल राइट दोज आर ऑन इट्स ओन प्लेस. मैं इसको यहां लिख रहा हूं. Now we will transfer minus 2 to the right hand side, so it will convert into 2. So your answer is 48. Not answer. Now 3 is multiplied, so वहाँ जाएगा तो divide कर देगा. 3 into 3 and 6 is 18. So the value of n is equal to 16. This is the answer. Clear? Now we will solve this question. फर्स्ट वी विल राइट द वैल्यू विच आर ऑन इट्स ओन प्लेस. 20p अपनी जगह पे है, 40 अपनी जगह पे है, 3 इज ऑन इट्स ओन प्लेस सो विल ट्रांसफर 3 तो वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया. नो नीड टू मल्टीप्लाई. पी 40 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर रहा है पीछे आके डिवाइड कर देगा. 0 इज गिवन बाय 0 टू टू जा 4 तो योर आंसर इज 6. मीन्स द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 6. Here it is so simple. Now we are moving to the question number A of 4.
we will find the value of t in this question. Those are on its own place, we will write. Multiply में है, divide करेगा. Divide करने पर zero. The value of t is 10. It is so simple. Clear? Now see here. 10 p is now on our place. It will move to the right hand side. Then the sign will be changed. So 100 minus 10, 90. 10 p value of p is 90 upon 10. 0 plus 0. Therefore, the value of p is equal to 9. Is that clear? It is so simple. Yeah, it's not simple. So this is the answer. Now we are moving to the next part of the same question. Question number F. In this question, we will find the value of S. 3S is minus 9. S is on its own place, and 3 will be changed to multiply to the divide. 3 into 3. It is 9. The number will be cut by 9. Sorry, cut by 3. The answer becomes minus 3. So the value of S is minus 3. Now we will, in this question, we will find the value of H. Sorry, the value of S again. 3S is equal to 0. Okay, so the S is 0 upon 3. 0 which is divide karo. 0 ho jayega. Okay, so the value of S is 0. Clear? Now in this question we will find the value of Q. So 2Q is on its place, or is plus ka 6 to ho jayega minus ka 6. Q ki value minus 6 upon 2. 2 into 2, 3 into 6. So it's minus 3. It means the value of Q is minus 3. Clear? This is so simple.